हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल का टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन में जियो 5G इंटरनेट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जियो 5G को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको माय जियो ऐप को ओपन कर लेना है। और गाइज, अगर आप लोगों के फोन में माय जियो ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल कर लेना। और दोस्तों, जैसे ही माय जियो ऐप को ओपन करो तो आप लोग को स्टार्टिंग में दिख जाएगा मोबाइल 5G, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग मोबाइल 5G के ऊपर क्लिक करो, आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पहुँचे, जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ गया, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, आप लोग को जियो ट्रू 5G इस वाले कॉलम पे आ जाना। उसके बाद आप लोग को 5G कवरेज चेक करना है कि आपके एरिया में सपोर्ट करता है या फिर नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर बता रहे, इतना कुछ सिटी में ये सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर ना एक एक करके स्टेट बाय स्टेट चेक कर सकता हूँ कि मेरे स्टेट में, मतलब जिस सिटी में काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग को अगर कहाँ, जहाँ से भी रहते हो, जैसे दिल्ली में अगर रहते हो तो दिल्ली को सेलेक्ट करके आप लोग को चेक करना है दिल्ली में कौन कौन से जिला में काम कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस सिटी में काम कर रहा है, आप लोग भी पहले चेक कर लेना कि आपके एरिया में काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, 5G डिवाइस चेक करना है, आपका डिवाइस 5G है या फिर नहीं, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लगाइए, उसके बाद आप लोग को बताएगा आपका डिवाइस 5G सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा आ गया कॉन्सुलेशन योर डिवाइस इज ट्रू 5G रेडी, यानी कि मेरे डिवाइस में जो 5G सपोर्ट कर रहा है। आप लोग में इस प्रकार से लिखा जाए तो समझ जाना कि आप लोगों में 5G सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जैसे ही आप लोग ये सेटिंग कर लो तो सिंपली बैक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर चेक 5G रेड लाइन्स वाला सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे इस पे ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा सेटिंग ये टिक नहीं हो पाता है, इसको सिंपली यहाँ पर ये बताता है कि आपका डिवाइस अपडेटेड है लेटेस्ट वर्जन से। अगर नहीं है तो सिंपली आप लोग अपडेट कर लेना। अगर आपका डिवाइस अपडेटेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है सबसे नीचे में आई हैव अपडेटेड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, जैसे ही क्लिक करोगे इसके ऊपर आप लोग को यहाँ पर हैंडसेट 5G सेटिंग्स में एरर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बाकी में टिक हो गया, इसमें एरर दिख रहा है। तो यहाँ पर और देखने के लिए मिलता है चेक योर 5G सेटिंग, उसके बाद गो टू सेटिंग्स वाला ऑप्शन, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करो तो आप लोग सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे डायरेक्ट। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि मैं सेटिंग्स के अंदर आ चुका हूँ। उसके बाद आप लोग को सिंपली खोजना है मोबाइल नेटवर्क लिखा हुआ, ठीक। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर है मोबाइल नेटवर्क, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करो आप लोग को यहाँ पर जिसमें सिम कार्ड लगा होगा, जिसमें 5G इंटरनेट है, उसको सिंपली क्लिक करना है उस सिम के ऊपर। जैसे क्लिक करोगे आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग को थोड़ा सा नीचे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पर, आप लोग को जो 4G पर होगा 3G 2G ऑटो पर, आप लोग को 5G 4G 3G 2G ऑटो पर क्लिक कर देना है, ठीक। और दोस्तों, जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप में 5G 4G 2G और 3G यहाँ पर ऑटो देखने के लिए मिल जाता है हम लोग को। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 5G इंटरनेट एक्टिवेट हो चुका है मेरे फोन में। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ नेटवर्क में आप लोग 5G यहाँ पर कर रहा है, यानी कि 5G इंटरनेट एक्टिवेट हो चुका है जियो का। तो इस प्रकार से आप लोग जो अपने मोबाइल में 5G इंटरनेट को एक्टिवेट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं क्रोम ब्राउजर से जाके एक बार स्पीड की, इसका स्पीड कितना देखने को मिल रहा है। 5G सपोर्ट कर रहा है तो स्पीड भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर ओकला स्पीड टेस्ट पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं गो करता हूँ। उसके बाद आप लोग देख लेना खुद की 5G इंटरनेट स्पीड में कितना स्पीड दे रहा है यहाँ पर। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मीटर आ चुका है। तो अब आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब 500-600 के मतलब इंटरनेट एंड डाटा जो स्पीड होता है वो यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहा है जियो का। सो अब मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 5G सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग भी जाना कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फोन में जियो 5G इंटरनेट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आशा करता हूं आप लोग के लिए ये वाली वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।